Hello everyone, welcome to Piggy's Rosoi। हेलो दोस्तों, आज मेरे किचन में बन रहा है पालक पत्ते के चाट, जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी और चटपट सा लगता है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। पालक पत्ता चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप बेसन लिया है और आधी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसकी घोल की तैयारी करेंगे। देखिए, आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इस तरह से पानी डालकर उसका घोल बनानी है। घोल आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि आपका जो पालक का पत्ता का हम जो यहाँ पे डीप करके कोट करेंगे, नहीं तो अगर पतला हो जाएगा घोल, वो अच्छी तरह से डीप नहीं होगा। देखिए, आपको घोल इस तरह से बनानी है। हमारा जो घोल है अच्छी तरह से बन चुका है। ये मैंने यहाँ कुछ पालक लिया है। देखिए, मैंने यहाँ छोटा साइज का पालक पत्ता लिया है। छोटे साइज का पालक पत्ता से चाट बनाने से देखने में बहुत सुंदर लगता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप ज़्यादा बड़ा पत्ता नहीं लेंगे, आप इस तरह से छोटे पत्ता लेंगे तो अच्छी तरह से। और मैंने यहाँ पालक पत्ता को अच्छी तरह से साफ कर लिया है और हमने जो घोल बनाए थे, घोल के हम इस तरह से डीप करेंगे। घोल के अंदर रख के इस तरह से हम इसको डीप करेंगे। छानने से पहले आप तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें, ताकि आपका जो पालक का पत्ता है अच्छी तरह से बन जाए। अब हमारे जो तेल है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हम यहाँ पे पालक के पत्ते को यहाँ डाल देते हैं और दोनों साइड इस तरह से पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। अब हमारे जो पालक का पत्ता है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। इस तरह से आपको सारे जो पालक के पत्ता है इस तरह से आपको फ्राई करनी है। हमारा देखिए, सारे जो पत्ता था मैंने इस तरह से फ्राई करके इसको यहाँ प्लेट में रख देती हूँ। हमारे सारे पालक का पत्ता बनके अभी रेडी है। अब हम चाट की तैयारी करेंगे। चाट के लिए मैंने यहाँ बारीक कटे हुए प्याज को इसके ऊपर डाल देती हूँ और बारीक कटे हुए टमाटर को भी डाल देते हैं। और यहाँ मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच दही डाल देती हूँ। चारों तरफ से इस तरह से आपको डालना है। और यहाँ 2 बड़े चम्मच खट्टी मीठी इमली की चटनी डाल देते हैं, जो हमारे चाट को थोड़ा सा खट्टी और मीठी का स्वाद देगा। और हम इसके ऊपर धनिया की चटनी डाल देते हैं। और कुछ सेव को हम इस तरह से चारों तरफ से रख लेंगे। और थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम यहाँ ब्लैक सॉल्ट डाल देते हैं। उसके ऊपर इस तरह से आपको स्प्रिंकल करना है। देखिए, हमारा जो पालक पत्ता का चाट है एकदम बन के रेडी हो चुका है। आप इसको 1 कप गरम गरम चाय के साथ उसके एंजॉय करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारा जो पालक पत्ता का चाट है वो एकदम रेडी हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।